नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्थ एंड स्पेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, इंसान ने सदियों पहले चांद पर जाने का सपना देखा था। यह सपना 21 जुलाई 1969 में पूरा हुआ, जब अपोलो 11 चांद पर उतरा। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। उसके बाद से अलग अलग देश की स्पेस एजेंसीज ने चांद पर अपने अपने रॉकेट भेजे और चांद के बारे में नॉलेज इकट्ठा की। चांद पर पानी की खोज के बाद वैज्ञानिकों की यह कोशिश है कि चांद पर एक बेस बनाया जाए जहां पर इंसान लंबे समय के लिए रह सके। पर चांद पर रहना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो यह है कि चांद हमारी पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर जाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधनों का इस्तेमाल होता है। दूसरी मुश्किल है चांद का एटमोस्फेयर। चांद पर एटमोस्फेयर लगभग ना के बराबर है, इसलिए वहाँ की रेडिएशन से बचना कोई आसान काम नहीं है। तीसरी मुश्किल ये है कि चांद की एक साइड बहुत गर्म और एक साइड बहुत ठंडी है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 29 दिन के बराबर होता है, इसलिए चांद पर लगभग 2 हफ्तों तक दिन होता है और इतने ही समय के लिए रात होती है। ज्यादा टाइम सूरज की तरफ रहने से चांद की एक साइड बहुत गर्म हो जाती है और दूसरी साइड बहुत ठंडी हो जाती है। अगर हम गर्म साइड पर जाए तो जल जाएंगे और अगर ठंडी साइड पर जाए तो जम जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां पर ये दोनों साइड्स मिलती है वहां टेम्परेचर ना कम होगा ना ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर बेस बनाया जा सकता है। अर्थ पर ओवर पॉपुलेशन तथा कम रिसोर्सेस के कारण हमें कहीं और तो जाना ही पड़ेगा। वैज्ञानिकों के पास चांद पर बेस बनाने की टेक्नोलॉजी तैयार पड़ी है, पर चांद तक रिसोर्सेस भेजना कोई आसान काम नहीं है। पर कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। जैसे जैसे समय बीत रहा है इंसान तरक्की कर रहा है। नासा ने टारगेट रखा है कि वो 2028 तक चांद पर बेस बनाकर रोबोट्स तथा इंसानों को चांद पर ट्रांसफर कर देगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।